हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ बेनिफिट विद प्रियंका। में आज हम उत्तराखंड के फेमस पैत्यूड़ बनाएंगे। पैत्यूड़ बनाने के लिए हमें चाहिए अरबी के पत्ते, इस तरह से। अब आप अरबी के पत्तों के इन एजेस को पत्थर से इस प्रकार दबा दीजिए। सारे पत्तों का आप इसी तरह एजेस दबा दीजिए। इस प्रकार से हम सारे पत्तों के एजेस को दबा देंगे। चुटकी भर हल्दी थोड़ी सी, अजवाइन थोड़ा सा, भुना हुआ जीरा, और इसमें इमली और गुड़ का पानी डालेंगे। इमली को छान लें और थोड़ा सा इमली और गुड़ का पानी डालें। धीरे धीरे करके अब आप इसमें पानी डालें। इस तरह से आप एक पतला सा बैटर बनाएं जिसमें लम्स ना पड़े हों। इसमें आधा नींबू निचोड़ें। अब आप इस तरह से अरबी का पत्ता लेंगे, अरबी का पत्ता लेंगे और इस पेस्ट को इस तरह से अरबी के पत्ते पे लगाएंगे। आप दूसरा अरबी का पत्ता लें और इस तरह से इस प्रकार से आप एक और अरबी का पत्ता लें। इस प्रकार से आप पत्तों के ऊपर पत्ते लगाकर लेयरिंग करते जाएं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, साथ ही साथ पेस्ट लगाते रहेंगे। इन पत्तों पर भी पेस्ट लगाकर इस तरह से हम पत्तों को रैप कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने पैतूड़ को बेसन के पेस्ट से तैयार कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर में पानी लेंगे। अब आप
इस तरह इडली के सांचे लीजिए, दो लेयर के, और इन पैतूर को स्टीम के लिए इस तरह से रख दीजिए। अब हम इन्हें 4 से 5 सीटी लगाएंगे और उसके बाद हम पैतूर को चेक करेंगे। ये पैतूर अब स्टीम हो गए हैं। ये जानने के लिए कि यह पके हैं कि नहीं, आप एक नाइफ लें और इस तरह से डुबाएं। अगर आपकी नाइफ साफ, इन पैतूर को ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख दें। अब ये पैतूर ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। अब हम गैस में कढ़ाई रखेंगे और उसमें सरसों का तेल डालेंगे, इसमें जख्या डालेंगे, जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे और इन पैतूर को फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। इस तरह से हमारे पैतूर तैयार हैं। आशा करती हूँ आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर हेल्थ बेनिफिट विद प्रियंका से फॉलो कीजिए। थैंक यू।